This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for educational purpose only. ये चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। इस चैनल द्वारा प्रदान की गई सभी सामग्री केवल शैक्षिकी उद्देश्य के लिए है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम मिस्टर जॉर और आप देख रहे हैं पाक साइबर डिफेंस का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को पाकिस्तानी CDR एनालाइज का टूल बताने वाला हूँ। अच्छा, ये टूल जो है वो पेड है, लेकिन आपको जो काम है ना वो विद इन सेकेंड्स जो है प्रोवाइड कर देगा। जितनी भी चीज़ें मैंने अभी तक आपको सिखाई है ना, वो सारी की सारी आपको विद इन वन क्लिक जो है ना ये आपको प्रोवाइड करने वाला है। रिसेंटली जो मैंने आपको टूल बताया है ऑक्सीजन टूल, ठीक है, वो भी जो है वो पेड टूल है, लेकिन ये वाला जो है ये पेड है, वो वाला बहुत एक्सपेंसिव टूल है, उसे हम हज़ारों काम और भी कर सकते हैं, इंशाल्लाह उस पर कम्प्लीट सीरीज आएगी। लेकिन ये वाला जो टूल है ये इसका काम सिर्फ CDR एनालाइज करना है। तो चलते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन की तरफ और यहाँ पे मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इस पे हम किस तरह वन क्लिक पे जो है वो CDR एनालाइज कर सकते हैं। वेलकम बैक टू माय लैपटॉप स्क्रीन। तो अच्छा, आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें, साथ में बेल वाले आइकन को भी प्रेस करें ताकि मैं हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। साथ में मेरा फेसबुक पेज भी है और टिकटॉक अकाउंट भी है, आप एवरी टूजडे हर जगह पे जो है ना मुझे फॉलो कर सकते हो ताकि आप लोगों को जो है वो लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तो आ जाते हैं अपने इसी जो है अपने टूल पे। अच्छे, ये जो है एक वेबसाइट टूल भी है और ये जो है एक मोबाइल एप्लीकेशन भी है। तो आज लो मैं आप लोगों को जो है इसका वेबसाइट का जो है वो टूर कराऊंगा, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को इसकी मोबाइल की एप्लीकेशन के बारे में बता दूंगा, ठीक है। तो इस वेबसाइट पे है, आप ये चीज़ जो है वो पेड है, अगर आप लोगों ने इस चीज़ का एक्सेस चाहिए तो इसका नंबर जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूंगा, आप लोगों को वहाँ से रब्ता करके पेमेंट करके इसका एक्सेस जो है आप लोगों को मिल सकता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारे पास मुख्तलिफ चीज़ें हैं। सबसे पहले हमारे पास है CDR एनालाइज, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। जैसे इस पर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे कहता है यहाँ पे फाइल को अपलोड करो। फाइल को मैं यहाँ से अपलोड कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो CDR है मैं वो सेलेक्ट कर लेता हूँ हमारे पास यहाँ पे, तो मैं इसी CDR को यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। इस CDR को मैंने सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप लोग को एक ID प्रोवाइड कर दी जाएगी, वो ID यहाँ पे आप पेस्ट करेंगे और अपलोड फाइल पे क्लिक करेंगे। आप लोग जैसे ही जो है अपलोड पे क्लिक करेंगे तो आप लोग के पास यहाँ पे मैसेज शो हो गया कि जो है हमारे पास वो कम्प्लीटली जो है वो सक्सेसफुली हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे जो है हमने क्लिक करना है और ये डॉट के बाद जो है ना हमने ये हटा देना है। आप लोग यहाँ से नंबर का जो नाम लिखना चाहते हैं वो भी आप यहाँ से कर सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे लिख दिया और सीधा डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद जो है ये मुझे यहाँ पे इसका डाउनलोडिंग लिंक प्रोवाइड कर देगा, थोड़ी सी प्रोसेसिंग करेगा और उसके जो है हमें डाउनलोडिंग लिंक जो है वो इजीली प्रोवाइड कर देगा। ये देखिए आप लोग के सामने इसने लिंक प्रोवाइड कर दिया, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद ये देखिए मेरे पास ये चीज़ डाउनलोड हो गई। मैं यहाँ पे इसको ओपन करता हूँ और ओपन करने के बाद इस CDR को मैं यहाँ से ओपन, ठीक है, इस CDR को मैंने यहाँ से ओपन किया तो ये देखें कंप्लीट CDR की इंफॉर्मेशन हमारे पास यहाँ पे आ चुकी है। सबसे पहले हमारे पास क्या चीज़ है, वो है हमारे पास सेट CDR, मतलब जो हमारा कंप्लीट CDR है वो यहाँ से सेट हो चुका है, ठीक है। अगर इसमें कोई इशू था या कंप्लीट आप लोगों को नजर नहीं आता तो वो यहाँ से जो है ना वो इजिली सेट हो जाता है। अच्छा देखिए यहाँ पे कॉल टाइप में ये जो हमारे पास है ISMS मतलब इनकमिंग SMS, OG का मतलब आउटगोइंग कॉल, ठीक है, तो IC मतलब इनकमिंग कॉल, इनकमिंग SMS, ठीक, इसी तरह जो है ना ये हमारे पास यहाँ पे ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। अच्छा, जो हमारे पास जो CDR होता है ना उसमें कंप्लीट जो है लिखा होता है, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में जो है हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं आप लोग को यहाँ पे उसकी जो है वो मैंने आपको बता दिया। डेट टाइम हमारे पास अलग से है, ड्यूरेशन की कितने मिनट जो है यहाँ पे बात हुई वो सारी, और इसके बाद इसकी जो है हमारे पास कॉलर ID है, ठीक है, और सॉरी ये हमारे पास कॉलर ID है, ये हमारे पास लास्ट कॉल ID है हमारे पास, ये लोकेशन है हमारे पास, ठीक है, और ये हमारे पास लैटिट्यूड है और ये लॉन्गिट्यूड है। अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे देखें डिस्टेंस कवर, इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये वाली जो लोकेशन है इस लोकेशन से जब इस लोकेशन पे आते कितनी डिस्टेंस तय की थी, अभी इस लोकेशन से इस लोकेशन पे आते इसने कितनी डिस्टेंस तय की है, ठीक है। अभी देखें ये दोनों जो है वो फिर सेम है, मतलब इस लोकेशन तक कितनी इसने डिस्टेंस तय की है, उसी तरह जो है ना आप लोग कंप्लीट हर किसी को बता रही है। देखिए ये साउथ की तरफ गया, ये फिर नॉर्थ की तरफ आया है, तो ये कंप्लीट जो है ना आप लोग को बता रहा है कि इस लोकेशन से इस लोकेशन में इसने कितना डिस्टेंस तय किया, और अगर लोकेशन तय की है तो वो किस तरफ से है, साउथ तरफ, नॉर्थ तरफ, वो सारी चीज़ें देखें आप लोग को जो है ना ये बता रहा है कि पिछली लोकेशन से जो नेक्स्ट आने वाली लोकेशन है उसमें इसने कितना डिस्टेंस तय किया।
डिटेल में हम लोग आ जाते हैं, तो ये नंबर ए है, ये हमारे पास बी नंबर है, ठीक है। मैं इनको थोड़ा सा हाइड भी कर देता हूँ। तो ये हमारे पास इनकमिंग कॉल्स कितनी हुई है टोटल, इनकमिंग एसएमएस टोटल कितने हुए, आउटगोइंग कॉल्स कितनी हुई, आउटगोइंग एसएमएस कितनी हुए टोटल, इनकमिंग मिनट्स कितने हैं टोटल, आउटगोइंग मिनट्स कितने हैं टोटल, मिनट्स कितने हैं, ठीक है, फर्स्ट कॉल लास्ट कॉल टोटल, डेज कितनी डेज इसमें बात हुई है। इसके अलावा जो है हमारे पास टोटल लोकेशंस की, टोटल लोकेशंस कितनी है। अब इसके अलावा हमारे पास लोकेशन जो है वो हमारे पास आ जाते हैं, इनकमिंग लोकेशंस कितनी है, इनकमिंग एसएमएस की कितनी लोकेशंस है, और इनकमिंग कॉल्स की कितनी है, और इन आउटगोइंग कॉल्स की कितनी है, टोटल कितनी है, ड्यूरेशन कितनी ड्यूरेशन बात हुई है, फर्स्ट कॉल जो है लास्ट कॉल जो है वो डेट यहाँ पे मेंशन है, और टोटल डेज कितने डेज बात हुई है वो चीज़ इसमें मेंशन है। आईएमईआई इसमें मेंशन है, ठीक है, सेम वही चीज़ के आउटगोइंग टाइम करते हुए कितनी थी, इनकमिंग एसएमएस की टाइम, इनकमिंग कॉल, आउटगोइंग कॉल, टोटल ये सारी चीज़ें देखिए आप लोग के पास मेंशन है, और टोटल सीडीआर कितनी बार यूज हुई है। अब यहाँ पे एक और भी चीज़ हमारे पास आ जाती है, नाइट कॉल्स के, नाइट में कितनी कॉल्स हुई हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे शो कर रहा है। इसके अलावा नाइट कॉल्स डिटेल जो है हमारे पास वो आ जाता है, और नाइट कॉल जो है वो हमारे पास लोकेशन की समरी भी कंप्लीट हमारे पास आ जाती है। तो ये था इसका मतलब, कंप्लीट सीडीआर वन क्लिक से जो है ना इसने हमें एनालाइज करके प्रोवाइड कर दिया है। अब इसके बाद जो है हम लोग आगे आ जाते हैं, आगे आने के बाद जो है यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ गेट एड्रेसेस, मैं यहाँ पे गेट एड्रेसेस पे क्लिक करता हूँ तो ये हमें जो है दूसरा लिंक प्रोवाइड कर देता है। अच्छा, आप लोग को सिंपल यही तक चाहिए यहाँ से भी कर सकते हैं, गेट एड्रेसेस पे आप लोग को चाहिए गेट एड्रेस भी डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को ऐसे ऐसे समझा रहा हूँ। अभी मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो इस मुझे एड्रेसेस के प्रोवाइड कर दिए, मैं इसको ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद जो है मैं यहाँ पे ये यह हमारे पास कंप्लीट सीडीआर आ चुका है। जिस तरह मैंने आप लोगों को टॉप एसोसिएट्स का बताया था, सेम वही चीज़ है, समरी हमारे पास ए नंबर है, बी नंबर्स हैं, टोटल इनके साथ कितनी बात हुई है, टोटल जो हमारे पास टाइम है कितना यूज है, फर्स्ट कॉल कौन सी है, इसकी लास्ट कॉल कौन सी है, टोटल कितने डेज हैं, टोटल लोकेशंस कितनी है, और इसका नाम हमारे पास क्या है, सीएनसी के एड्रेस क्या है। मतलब इससे पहले मैंने आप लोग को जो चीज़ बताई थी वो मैनुअली थी, ठीक है, आप लोग खुद आके एक एक चीज चेक करते हो, लेकिन यहाँ पे जो है ना आप लोग को कंप्लीट 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 जो है ना बताया गया है कि आप लोग जो है ना ये चीज किस तरह से विदिन वन क्लिक जो है ना वो इजिली कर सकते हैं। चलते हैं हम लोग आगे दूसरी चीज की तरफ, देखते हैं सॉफ्टवेयर में हमें और क्या क्या चीजें मिलती हैं। तो मैं एक स्टेप बैक आ जाता हूँ, बैक आने के बाद यहाँ पे हमारे पास है टावर लोकेशन। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे टावर लोकेशन पे क्लिक करता हूँ तो हमें किस नेटवर्क की टावर लोकेशन चाहिए वो हमने यहाँ पे सेलेक्ट करना होता है, मतलब हमारा सीडीआर कौन सा नेटवर्क है। मैं जेएस को सेलेक्ट कर लेता हूँ, जेएस के करने के बाद आप लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड और वो चीजें आप लोग यहाँ से प्रोवाइड कर सकते हो और यहाँ पे जो है ना वो डाल सकते हो, ठीक है। तो आपको कंप्लीट टावर लोकेशंस आप लोगों को यहाँ से मिल जाएंगी। टोटल सीडीआर मतलब आप लोगों ने अभी तक जितने भी सीडीआर जो है वो किए हैं वो कंप्लीट आप लोगों को यहाँ पे शो हो जाएंगे। कलर आईडी सर्च, कोई आप लोग के पास कोई सीडीआर है आप लोग उसको यहाँ से सर्च करना चाहते हो, जिस पे आप लोगों ने सबसे पहले कोई मतलब के सर्च किया और आप लोग चाहते हो कि उसको यहाँ से हम लोग देख सकें, वो भी आप लोग कर सकते हो, और आप लोग के अकाउंट में जितना बैलेंस होगा वो भी आप लोग को यहाँ से इजिली शो हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जो है यहाँ पे नाम, मोबाइल नंबर जो आपने दिया होगा, जो ईमेल दी होगी और एड्रेस जो दिया होगा, और आपके अकाउंट में रिमेनिंग बैलेंस जितना रह गया वो, क्योंकि पर सीडीआर जो है यहाँ से आप लोग जो है वो आप लोगों से 20 रुपए 30 रुपए जो है वो कटते हैं, और इसके अलावा इसका लॉगिन लेने के लिए भी इसकी पेमेंट आप लोगों ने करनी होती है। तो उम्मीद है इस वीडियो को आप लोग अच्छी खासी समझ आ गई होगी कि हम विद इन वन क्लिक जो है हम लोग इस चीज़ें किस तरह कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।